बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डीसी और ईसी, सप्लाई टू हाउस, मतलब जो आम तौर पर हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई जिस तरह प्रोवाइड की गई होती है उसके बारे में, एंड हाउस वायरिंग। और हमारे घरों में एक जनरल सा आइडिया हम देखेंगे कि जो वायरिंग की जाती है वो किस तरह की होती है। तो ये आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपने अच्छे तरीके से इनको सुनना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाई करंट इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों आपने पहले नाइन्थ में पावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, लेकिन वर्क भी तो एनर्जी ही होती है, तो रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन ये कौन सी एनर्जी होगी, जो एनर्जी करंट सप्लाई करेगा, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक पावर कह रहे हैं, वरना इसको हम जनरल पावर कह लेते। हम इसको इलेक्ट्रिक पावर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो एनर्जी ये हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लिखें किससे, पी से। पी कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला, इस पावर को किस फार्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं, इस फार्मूला से इलेक्ट्रिक पावर पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वेयर डब्ल्यू इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। हमने ये भी पहले रिलेशन पढ़ा है ना पिछले लेक्चर्स में कि डब्ल्यू किसकी इक्वल होता है, यानी कि वर्क बाई इलेक्ट्रिक करंट किसकी इक्वल होता है, चार्ज, टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर के लिए, W की जगह पर हमने क्या लिखा, क्यू वी, ठीक है, और नीचे टाइम तो वैसे का वैसे आ गया। अब बच्चों हमने ये भी पढ़ा ना पावर की, पावर किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू वी आई। कैसे पता चला, Q ओवर T किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल, तो ये V तो वैसे रह गया वी आई। अब फिर अगर I को हम पुट करें, ठीक है, अब आपको पता है ना V किसकी इक्वल होता है, आई आर, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब हमारे पास पावर के दो फार्मूले आ गए, एक तो जब आपके पास वोल्टेज और करंट हो तो आप P इज इक्वल टू वी आई या आई वी लगाएं, या फिर आपके पास वोल्टेज नहीं है लेकिन आपके पास रेजिस्टेंस है उस डिवाइस की जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, और आपके पास करंट की वैल्यू भी मौजूद है, तो आप P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। बच्चों ये दो फार्मूलाज हैं, ऐसे समझ लें, और ये दोनों क्या है, कंबाइन है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी को फर्दर थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन करंट आई इज़ पासिंग थ्रू आ रेजिस्टर आर, द इलेक्ट्रिक पावर दैट जनरेट्स हीट इन द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर। ये तो हमने फार्मूला पढ़ लिया। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हम अब यूनिट देखते हैं कि वो क्या है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट, विच इज़ इक्वल टू वन जाउल पर सेकेंड, वन जाउल पर सेकेंड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल W, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कॉमनली यूज इन हाउस कंज्यूम 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 75 वाट एंड 100 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों ये तो कुछ पावर रेटिंग्स हैं जो डिफरेंट बल्ब्स की या डिवाइसेस वगैरह की दी गई हैं। अच्छा, हमने पावर का यूनिट देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक बड़ा यूनिट पढ़ते हैं, किलोवाट आवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शॉर्ट के लिए आ सकती है। वैसे तो हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक पावर वाला, इसमें से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। किलोवाट आवर क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाई अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर। बच्चों इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, देखें जब हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं तो हम छोटे यूनिट्स जाउल्स में मेजर करेंगे तो वो बहुत ही बड़ी जो है ना एक नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। हम क्या करते हैं, यूनिट्स बड़े कर लेते हैं, उससे जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स इन हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएंगे। कैसे, एक घंटे तक जितनी एनर्जी हमें मिलेगी किस पावर से, किलोवाट, 1 किलोवाट पावर की डिवाइस से, वो हमें किलोवाट आवर एनर्जी मिलेगी। 1 किलोवाट आवर की कोई भी
जनरेटर कह लें आप, कोई टर्बाइन कह लें, अगर वो हमें एक घंटे तक एनर्जी देती रहती है तो हमें 1 kW और एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली कंज्यूम इन वेरी लार्ज क्वान्टिटी फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच जॉल इज वेरी स्मॉल यूनिट, हेंस अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीडेड विच इज़ कॉल्ड किलो वाट आवर। ये किलो वाट आवर का फ़ायदा है क्या, से भी पूछा जा सकता है कि हम किलो वाट आवर को क्यों यूज़ करते हैं। इस वजह से बच्चों ये देखें, किलो वाट और एक घंटे तक, घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3.6 मेगा जॉल। अब आपके जहन में रहना चाहिए कि 1 kW में कितने मेगा जॉल्स होते हैं, 3.6। अब ये आपने कन्वर्जन भी सीख लेनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की चीज़ है ये वाली सारी, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं कि 1 kWh में हमें एनर्जी कितनी मिलेगी। हमने अब kWh में भी जो देखा है, ये तो हमें पता चल गया ना कि 1 kWh जो है कितने मेगा जॉल की कुल होता है, इससे हमें कितनी एनर्जी मिल जाएगी वो भी हम देखते हैं। द एनर्जी इन किलो वाट आवर कैन बी ऑब्टेंड बाई द फॉलोइंग फार्मूला, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो वाट आवर इज इक्वल टू वाट, कितने वाट यूज़ किए, टाइम ऑफ यूज़ इन आवर, कितने घंटों तक यूज़ किया, और 1000 से डिवाइड कर दें, अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप जितने वाट आपने कंज्यूम किए हैं, ठीक है, और कितनी देर के लिए यूज़ किए हैं, से मल्टीप्लाई करवा के 1000 से डिवाइड कर दें, आपकी एनर्जी आपको किलोवाट आवर में मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, ये एनर्जी मिलने के बाद हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम अपनी इस्तेमाल की हुई इलेक्ट्रिसिटी जो हमने घर में यूज़ की उसका कितना बिल आएगा, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। अगर आपको एक यूनिट का जो रुपीज़ हैं या जो भी चार्जेस हैं वो आपको पता हो, तो देखें बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट अपने जो घर का बिल है वो भी खुद कैलकुलेट कर सकेंगे, अगर हमें पता होगा कि हमने फलां चीज़ को कितनी देर के लिए चलाया है और उस चीज़ की पावर रेटिंग क्या है, ठीक है। क्या तरीका है, अभी पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर हाउसेज मेजर द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। हमारे जितने भी मीटर्स लगे हुए हैं घरों में वो किलोवाट आवर में मेजरमेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच वी पे आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसके मुताबिक फिर हम अपने बिल्स पे करते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kWh आई 1 यूनिट इज़ नॉन। अच्छा, अब 1 kWh को हम यूनिट कहते हैं कि हमने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए। अगर हमें एक यूनिट का पता है तो हम फिर जितने यूनिट्स हमें मिलेंगे हम उस यूनिट की प्राइस से मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकाल लेंगे। वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय द फॉलोइंग फार्मूला, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम प्लस कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट के में कॉस्ट पता हो उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम कैसे पता चलेगा, आपके पास फर्ज करें एक बल्ब है जो 10 वाट का, आप यहाँ पर 10 वाट लगा लें, आपने उसको 5 घंटे चलाया, यहाँ पर 5 लिखें और 1000 से डिवाइड करें, और आपको पता है कि आपकी जो गवर्नमेंट का जो रेट है वो 15 रुपीज़ पर यूनिट है, वो यहाँ पर लिखें, आपका जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आ जाएगा। इसको आप आगे किसी बुक में अगर देखें तो वहाँ पर सैम्पल प्रॉब्लम भी इसका मौजूद है। बच्चों, अब तक हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, ठीक है, किलोवाट आवर पढ़ा, एनर्जी इन किलोवाट आवर पढ़ा, उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर की, वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसको आपने यहाँ पर फार्मूला वगैरह को याद कर लेना। अब हम अपने नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं, जो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। सबसे पहले पढ़ते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। द करंट डिराइव्ड फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डायरेक्ट करंट DC, इट इज़ यूनि डायरेक्शनल। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक ही, हमेशा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, ओके। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द DC सोर्सेज हैव फिक्स्ड पोलैरिटी, ठीक है, लेवल ऑफ DC रिमेंस कॉन्स्टेंट विद टाइम। ये देखें 1.5 वोल्ट है, तो जितनी देर तक ये ऑपरेट करेगा 1.5 वोल्ट ही रहेगा। अभी हम इसके पैरेलल अल्टरनेटिव करंट को देखते हैं, AC को। A current which changes its polarity again and again is called alternating current. Such a current changes direction after equal intervals of time. ऐसे करंट की जो डायरेक्शन है ना वो टाइम के फिक्स इंटरवल्स के बाद खुद ब खुद चेंज हो जाया करती है। This type of current is produced by AC generators.
या फिर डैम्स में जितने भी टर्बाइंस या जनरेटर्स मौजूद हैं वो एसी पैदा करते हैं। द करंट सप्लाई टू आवर होम्स और पावर कंपनीज इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये देखें, ये कभी वैल्यू बढ़ रही है कम, अब पॉजिटिव पे था नेगेटिव पे आ गया, पोलैरिटी क्या होती जा रही है चेंज। ये इसी तरह इसको हम साइनोसाइडल वेव में इसका जो है वो दिखाते हैं। बच्चों आपको एसी करंट और डीसी करंट का डिफरेंस पता चल चुका है, ये बिल्कुल ऐसे ही आपने चीज़ें याद कर लेनी है। डीसी करंट कहाँ से मिलता है, सेल बैटरी, ठीक है, इस तरह की चीज़ों से। अब हम आते हैं कि करंट की फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है। हमने वेव्स वाले चैप्टर में फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड, तो बिल्कुल ये वही चीज़ है, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस ऑफ करंट, या जितनी बार पोलैरिटी चेंज होती है एक सेकेंड के अंदर वो करंट की क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट कोरस्पोंड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। जितनी बार पोलैरिटी चेंज होगी या वैल्यूज करंट या उसकी चेंज होगी तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इफ़ अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेट्स 50 टाइम्स एवरी सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़। एक सेकेंड के अंदर अगर हम कहते हैं कि जो है पोलैरिटी चेंज हुई है 50 टाइम्स तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज़। अगर 60 होगी तो 60 हर्ट्ज़। बट जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़। यूनाइटेड स्टेट्स 60 हर्ट्ज़ यूज़ करता है, ठीक है, हम 50 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। इन दोनों के अपने अपने जो हैं वो बेनिफिट्स हैं, अपने अपने लॉसेज हैं। ओके, अल्टरनेटिव करंट हैज़ एडवांटेजेस दैट मेक्स इट मोर प्रैक्टिकल फॉर यूज इन ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ बच्चों, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सा करंट जो है वो ट्रांसफ़र करने में आसान है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पर तो ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे बेस्ट है एसी। हमारे घरों में भी अल्टरनेटिंग करंट ही आता है, ठीक है, क्योंकि इसके डिफरेंट जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं कि अगर हम डीसी में भेजते हैं एसी में। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बताता जाता हूँ, वरना हमने इस पर एक पूरा टॉपिक पढ़ना है। अभी बेसिक ये समझ लें कि जो डिसिपेशन है या करंट का ज़ाया होना है वो एसी के केस में बहुत कम है और डीसी के केस में ज़्यादा है, ठीक है। अब हम टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एसी वोल्टेज और करंट रिपीट्स इट्स वैल्यू इज़ नोन एज टाइम पीरियड। जितने टाइम के बाद वो दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद वापस पॉजिटिव हो गया वो टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब हमने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं, सप्लाई टू अ हाउस, यानी कि हमारे घरों में जो है जो सप्लाई दी जाती है इलेक्ट्रिक पावर वो किस सूरत में दी जाती है और किस तरह, मतलब उनके कनेक्शंस वगैरह होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर एंटर इन आवर हाउस थ्रू थ्री वायर्स। बच्चों आपने वाकई देखा होगा तो आपके घरों में तो दो वायर्स हैं, लेकिन एक्चुअली जो बेस्ट वायरिंग है वो थ्री वायर्स के साथ होती है। आपने अक्सर स्विच देखे होंगे जिनके आगे थ्री शूज़ होते हैं, क्योंकि वो बनाए बेहतरीन वायरिंग के लिए गए हैं और उनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि वो अर्थ भी यूज़ करें। लेकिन हम अपने घरों में जनरली अर्थ वाली वायरिंग यूज़ नहीं करते, हालांकि अर्थ वाली वायरिंग यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ वायर और ग्राउंड वायर। दिस कैरीज नो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। द अर्थ वायर इज़ कनेक्टेड टू अ लार्ज मेटल प्लेट बर डीप इन द ग्राउंड नियर द हाउस। घर के नज़दीक ही कोई हम ज़मीन के अंदर एक प्लेट मेटल की दबा कर उससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली ये हमारे यहाँ तो ये जहाँ पर ट्रांसफार्मर मौजूद होगा वहाँ पर आप लोग जाके बच्चों देख सकते हैं एहतियात के साथ कि नीचे एक वायर जा रही होगी अर्थ की तरफ, वो एक्चुअली अर्थ वायर ही है, ग्राउंड वायर। इसमें करंट नहीं होता, लेकिन ये करंट के जाने का रास्ता होता है। ये किस केस में काम करती है वो भी आपको बता देते हैं। न्यूट्रल वायर, द वायर मेंटेन्ड एट जीरो पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग इट टू अर्थ एट द पावर स्टेशन इटसेल्फ इज़ कॉल्ड न्यूट्रल वायर। एन दिस वायर प्रोवाइड्स द रिटर्न पाथ फॉर करंट। होता क्या है बच्चों, आपके पास दो वायर आती हैं ना, एक रेड और एक ब्लैक। ये ब्लैक वाली होती है जिसको हमने पावर स्टेशन जहाँ पर करंट बन रहा है वहीं पर ज़मीन में दबाया होता है, और दूसरी जो होती है वो हाई पर होती है, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। लाइव वायर होती है वो, द वायर एट हाई पोटेंशियल इज कॉल्ड लाइव वायर एल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220। जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर 220 है, वैसे इसको बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, मतलब उन दोनों के दरमियान। अब असल में हम उसको लो पर क्यों रखते हैं, ताकि पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद रहे। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा तो इन दोनों वायर्स के दरमियान करंट भी फ्लो नहीं होगा। अभी हमने अर्थ वायर को करंट फ्लो के लिए नहीं पढ़ा बच्चों, अभी हमने लाइव और न्यूट्रल को पढ़ा है। करंट लाइव में से होते हुए न्यूट्रल में चला जाता है जिससे करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब कनेक्शन किस तरह होता है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज आर कनेक्टेड अक्रॉस न्यूट्रल एंड द लाइव वायर। हमारे घरों में दो तो लाजमी लगाई जाती हैं किसी भी डिवाइस को, एक न्यूट्रल और एक
life. The same potential difference is therefore applied to all of them and as these are connected in parallel to the power source. और हमारे घरों में सबको बराबर वोल्टेज देना होता है डिवाइसेस को, तो सारे डिवाइसेस आपस में किस में लगे होते हैं, पैरेलल में, क्योंकि आपको पता है ना पैरेलल में जो है सब पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम. अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात पढ़ते हैं कि आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर, आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विच करंट कैन ईजिली पास. देयरफॉर इफ अ पर्सन होल्ड्स लाइव वायर करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू द ग्राउंड वाइल पासिंग थ्रू हिज बॉडी विच में प्रूव फैटल फॉर द पर्सन. हाँ अब हम अगर करंट वाली लाइव वायर को बात करें तो हमें से करंट गुजरेगा और ज़मीन में जाएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों मैं आपको अर्थ वायर का कंसेप्ट देने वाला हूँ जो हमने पढ़ा है. आप फर्ज करें जब आप करंट को पकड़ते हैं तो करंट के पास दो रास्ते हैं, एक आपकी बॉडी में से गुजर के जाना और एक ऐसे वायर है जो बिल्कुल डायरेक्ट ज़मीन में जा रही है. अब हमारी बॉडी की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है उस वायर के मुकाबले में, तो फिर हमारी बॉडी में से करंट नहीं जाएगा और उस वायर में से चला जाएगा. बिल्कुल यही काम क्या कौन सी वायर करती है, अर्थ वायर. ठीक है, अर्थ वायर का काम यही है कि वो हम जोड़ देते हैं. फ़र्ज़ करें हमारे पास इस्त्री है, आयरन, आयरन की जो ऊपर वाली मेटल प्लेट है उसके साथ हमने अर्थ लगाया हुआ है अर्थ वायर को और उसको ज़मीन में दबाया हुआ है. अब होगा क्या, जैसे ही हम उस फ़र्ज़ करें उस मेटल वाली आयरन में या कोई भी और डिवाइस है उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो गई है, ख़राबी पैदा होने से क्या हुआ है, जो करंट है वो मिलने लग गया उसकी बॉडी को, मेटल वाली बॉडी को. अब अर्थ को तो हमने मेटल बॉडी से लगाया हुआ था, वो करंट उस अर्थ वायर के ज़रिए ज़मीन में जाता रहेगा. अब हम उस मेटल को टच भी करेंगे ना ऊपर वाली को, तो होगा यूँ कि करंट के पास दूसरा रास्ता मौजूद है अर्थ वायर वाला, वो वहाँ से ज़मीन में जा रहा होगा, हमें नहीं लगा क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है. लेकिन अगर हमने अर्थ वायर ना लगाई होती और उस मेटल बॉक्स में करंट आया होता इस्त्री वाले में ऊपर, तो करंट कहाँ से जाना था, हमारी बॉडी में से. तो हमने देखा कि किस तरह अर्थ वायर जो है वो एक सेफ रूट प्रोवाइड करता है डिवाइस की ख़राबी की सूरत में. आमतौर पर वो करंट को इस तरह नहीं जाने देता ज़मीन में, ठीक है, वरना तो करंट ज़ाया होता रहे. वो सिर्फ तभी करंट को ज़मीन में जाने देता है जब हम किसी भी वजह से अपने डिवाइस को ख़राब कर बैठें. ठीक है, अब हम हाउस वायरिंग के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है, ठीक है, हाउस में वो जनरली किस तरह की होती है. सबसे पहले देखें लाइव और न्यूट्रल. हमारे मीटर में आई, हमें तो मीटर से आगे करंट मिलता है ना, ये देखें लाइव न्यूट्रल. लाइव में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, लाइव के सामने हम फ्यूज़ लगा लेते हैं या सर्किट ब्रेकर या जो भी हमने सेफ्टी डिवाइस यूज़ करना हो, क्योंकि मेन करंट तो आ किस में रहा होता है, फ्यूज़ में. ठीक है, और न्यूट्रल के आगे हम फ्यूज़ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि न्यूट्रल में तो करंट आ ही नहीं रहा जो हमारे लिए नुकसानदेह हो. अच्छा न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल को हमने डायरेक्टली उस डिवाइस के साथ लगा देना होता है जो भी हम डिवाइस चला रहे हैं, बेशक वो बल्ब है, फ़ैन है, कोई भी और रेजिस्टेंस है, सॉकेट आउटलेट है, मतलब वो स्विच है जिसके अंदर से हम पिन लगाकर कोई और डिवाइस चलाते हैं, चार्जर वगैरह लगाते हैं. न्यूट्रल तो सबको दे दिए, लेकिन लाइव को पहले हमने फ्यूज़ में से गुजारा. ठीक है, फ्यूज़ में से गुजारने के बाद हमारे पास न्यूट्रल के तो और भी कनेक्शंस मौजूद हैं ना. ठीक है, उन न्यूट्रल के कनेक्शंस को हमने लाइव और न्यूट्रल दे दिया, किसी एक रूम के लिए लाइव न्यूट्रल दे दिया, दूसरे रूम के लिए लाइव न्यूट्रल दे दिया, किसी भी और रूम जितने भी रूम्स हैं या अगर हम सिंगल कनेक्शन बना रहे हैं तो उन सिंगल के लिए लाइव और न्यूट्रल हमें चाहिए. अच्छा अब रूम्स में क्या हो रहा है, रूम्स में हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद हैं, उन डिवाइसेस को हमने आपने देखा होगा कि अक्सर हम दो वायर्स ही लगाते हैं, एक लाइव होती है और एक न्यूट्रल, जिसमें कि एक वायर लगाई गई है तो वो ऑपरेट नहीं करेगा. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने किस तरह मतलब डिवाइसेस जो है ना, तो बाकी रूम में इसी तरह लाइव न्यूट्रल देने के बाद किसी एक रूम को हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं. ठीक है, हमने कोई रेजिस्टेंस लगाई है, कोई भी हमारे पास फ़ैन है, कोई स्विच है, कोई भी जो डिवाइस है उसको हमने लाइव और न्यूट्रल दे लिया. ये स्विचेज हैं जो बटन्स हम यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम ऑफ भी कर सकते हैं उसको और जो है वो ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन स्विचेज लाइव के आगे लगाए जाते हैं, न्यूट्रल के आगे नहीं. ये अर्थ है बच्चों, ये अर्थ वायर एक देखें प्रकाशन के तौर पर हम ज़मीन के अंदर, ठीक है, यहाँ से दे दिया, ग्राउंड कर दिया और बाकी अर्थ हम हर डिवाइस के साथ लगा दिया है ताकि अगर कोई मसला हो तो अर्थ के ज़रिए करंट इसमें चला जाए, हमारे अंदर ना है. ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में नेक्स्ट भी हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं.
Figure show the system of house wiring. The wires coming from the mains are connected to electricity meter installed in the house. The output power from the electric meter is taken to the main distribution board and then to the domestic electric circuit. The main box contains fuses of rating 30 ampere etc. Different pairs ho sakte hain bachcho. Separate connection is taken from the live wire of each appliance. The terminal of the appliance is connected to the live wire through a separate fuse and switch. If the fuse of one appliance burns out, it does not affect the other appliances. In house wiring, all appliances are connected in parallel with each other. This means they all get the full main voltage and one can turn on any appliance without having to turn on another. बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया ना कि सबको वोल्टेज भी बराबर मिलता है पैरेलल में और हम किसी एक को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं बाकियों को डिस्टर्ब किए बगैर. तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा. आज हमने सबसे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, डायरेक्ट करंट और एसी करंट के बारे में, अल्टरनेटिव करंट के बारे में, सप्लाई टू हाउस पढ़े और हाउस वायरिंग पढ़ी है. इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट करंट और एसी करंट वाला शॉर्ट है, सप्लाई टू हाउस भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और हाउस वायरिंग तो आपको बस बेसिक कंसेप्ट देने के लिए शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के, ठीक है. मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग ये टॉपिक्स जो हैं अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और आपका जो रिटर्न वर्क है वो ये हाउस वायरिंग वाली डायग्राम बना लें, ठीक है, और एसी करंट और डीसी की डायग्राम्स बना के देख लें, इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूलाज को ड्राइव करके देख लें और इसी तरह के और जो डेरिवेशंस हैं वो कर लें और लर्न करने के लिए ये आपने सारे के सारे एज इट इज़ याद कर लेने और इसकी बुक में से भी रीडिंग कर लेनी है, ठीक है बच्चों. अल्लाह हाफिज़.